Hello students, today we are going to read 6th chapter of SST. The chapter name is India's Freedom Movement. As you know guys, in previous chapter you have studied about the British when they came to India. और किस तरह से जब वो आए तो उन्होंने पहले तो ट्रेड के पर्पस से आए थे, व्यापार के लिए, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने क्या किया, यहीं पे अपनी कॉलोनीज बना ली और छोटे छोटे अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। फिर उसके बाद में आपने जाना था प्रीवियस चैप्टर में किस तरह से वो यहाँ पे इंडियंस को ही आपस में लड़वाते रहे और पूरे इंडिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो धीमे धीमे लोगों के बीच में एक तरह से विद्रोह शुरू हुआ और 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ था वहाँ तक आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे, तो वहाँ से आगे इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, 1857 के बाद जो चीज़ें घटनाक्रम घटे इंडिया के अंदर, इंडिया को फ्रीडम मिलने तक, तो जो कुछ भी हुआ वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो वो इवेंट्स जितने भी घटनाक्रम हुए 1857 के बाद इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में आज हम जानते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब 1857 जब विद्रोह शुरू हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो क्या हुआ कि छोटे छोटे गुट्स बनने लगे इंडिया के अंदर, लेकिन वो कारगर नहीं थे क्योंकि आर्मी थी पूरी ब्रिटिश की और हम छोटे छोटे गुटों में उनका सामना नहीं कर सकते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ बॉम्बे में 1885 में। पूरे इंडिया के अंदर से जो भी एजुकेटेड जो वाइस पर्सन थे वो इसमें इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है ना, जिसमें लॉयर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और भी बहुत पॉपुलर जो लोग थे, ठीक है। इसके जो लीडर्स थे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके सामने रखी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कोई भी महत्व नहीं दिया। तो हुआ क्या कि इससे लीडर्स के ग्रुप बढ़ने लगे। कुछ लीडर्स जो चाहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश फोर्स है ऐसे ही हम अपनी एक फोर्स बनाते हैं और मूवमेंट शुरू करते हैं ब्रिटिश के, जिसमें कि वायलेंस था, लड़ाई थी, ठीक है ना, दोनों ओर से। लेकिन जो दूसरे थे वो चाहते थे कि जो भी हम हल चाहते हैं, जिस भी सॉल्यूशन का, वो विदाउट कैजुअलिटी हो, किसी भी तरह का जान का नुकसान ना हो। तो इन दोनों लीडर्स को अलग अलग नामों से बांट दिया गया। जो चाहते थे कि लड़ाई हिंसा से ही, हिंसा को जीतना मतलब, तो उनको तो रेडिकल्स बोला गया लीडर्स, जो दूसरे थे उनको मॉडरेट्स कहा गया। जैसे आप नाम पढ़ सकते हैं जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो किस ग्रुप के कौन से लीडर्स थे। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी थी वो इंडियन जो कम्युनिटी थी वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइडेड थी, तो देखा उन्होंने कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर और लोग विद्रोह भी बढ़ता जा रहा, तो उन्होंने क्या तरीका सोचा कि बंगाल को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो लॉर्ड कर्जन उस समय का जो वॉयस राय था इंडिया का, उसने क्या किया, बंगाल को दो हिस्सों में 1905 में डिवाइड कर दिया, ये कहते हुए कि ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई और ये आपस में साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हुआ, इस वजह से पूरे ब्रिटिश जो थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो गए और इस चीज़ का विरोध करने लगे, अपोजिशन में आ गए, और इन जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स थे उन सब का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जब ये विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब समझ में आया ब्रिटिश को कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और उन्होंने रीयूनाइट कर दिया बंगाल को फिर से। आगे है आपका जलियांवाला बाग मास्केर। देखिए, जलियांवाला बाग एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, इसको आज भी याद किया जाता है कि जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे तो उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो हमें पसंद नहीं थी, तो हम उनको उनके लिए मतलब अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बातें उनके सामने रखने के लिए छोटी छोटी पूरे इंडिया से प्रोटेस्ट करते थे जिससे कि हमारी बात सुने, हालांकि वो सुनते नहीं थे। तो ऐसे ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जलियांवाला बाग में, जिसमें अराउंड 10,000 पीपल इकट्ठे हुए थे। चूँकि आप अमृतसर में अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। तो प्रोटेस्ट जो था बहुत पीसफुल होना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन हुआ क्या, जो जनरल था ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस एरिया का जिसका नाम था
जनरल रेजिनाल्ड डायर, उसने क्या किया, उस जो लोग इकट्ठा हुए थे बाग में उनके ऊपर गोलियां चलवा दी अननेसेसरी। रिजल्ट क्या हुआ इसका कि हजारों पीपल मारे गए इसमें, और जो कि सारे निर्दोष थे, बिल्कुल वो हिंसा में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है ना। जब ये घटना घटी तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भर गया पूरे इंडिया के अंदर। फिर तो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं उन्होंने और लाइट अप कर लिया, वो उन्होंने आग पकड़ ली। अब तो वो इतने बड़े पैमाने पर होने लगे कि इनके अगेंस्ट छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। इनके जो सोल्जर्स थे या इनके जो प्रोडक्ट्स थे उनको जला दिया जाता, लूट लिया जाता, और बिल्कुल भी इनको नहीं चाहते थे हम इंडियंस कि ये यहाँ पे स्टे करें उस घटना के बाद। उसी के बाद एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने शुरू की थी, वो इसके लीडर थे, ठीक है ना। वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंस हो जाएं ब्रिटिश से, ठीक है ना। तो उसका जो सामान था उसको हमने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया यूज़ करने से, टैक्स पे करने से, और हमने गवर्नमेंट का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इलेक्शन भी हम उस पर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये जो आंदोलन था उसको बोला गया था स्वराज, स्वराज चाहते थे, मतलब स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों के बीच में, जैसे कि गुस्सा तो था ही इंग्लैंड के लोगों के अगेंस्ट, तो धीमे धीमे रिजल्ट ये हुआ कि वॉयलेंस शुरू हो गया उनके अगेंस्ट, और इससे गांधी जी परेशान हो गए। तो गांधी जी ने फिर ये जल्दी ही मूवमेंट खत्म कर दिया, जस्ट विद इन 3 ईयर्स ये मूवमेंट शुरू होते ही खत्म हो गया। नेक्स्ट जो मूवमेंट शुरू हुआ उसका नेम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या था, ये भी गांधी जी ने शुरू किया था 1930 से 1934 के बीच में। तो जो ब्रिटिश ने अपने रूल्स लॉज हम पे इम्पोज कर रखे थे, जो हमें डिप्रेस करते थे, उसके अगेंस्ट, तो इस जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो हम इंडियंस ने 1939 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस शुरू कर दिया मनाना, हम उसको अपना इंडिपेंडेंस डे की तरह शुरू करने लगे। इसके लिए गांधी जी ने एक डांडी मार्च निकाला, जो नमक कानून आपने सुना होगा। नमक कानून था कि हम अंग्रेज जो थे हमसे नमक बनवाते थे, उस पर हमसे ही कर वसूल करते थे। तो गांधी जी ने एक मार्च निकाला और इस नमक कानून को तोड़ा और मानने से मना कर दिया, ठीक है। उसको सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ 1942 में, तो जो लीडर्स थे बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया, ठीक है, उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया। लेकिन कुछ लीडर जैसे सुभाष चंद्र बोस यहाँ से चुपके से निकल गए और विदेश में जाके वहाँ से इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने लगे। इन्होंने एक आर्मी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि लड़ती थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है ना। धीमे धीमे फिर आगे जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 से लेकर 1945 के बीच में। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को बहुत सारा नुकसान हुआ, इकोनॉमिकल, मिलिट्री और पॉलिटिकल, जिस वजह से उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि इंडिया को रन कर सके या उस पर रूल कर सके, क्योंकि इंडिया में विद्रोह बढ़ गया था। तो इन रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अब सोच लिया कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने सोचा कि इंडियंस को हम आज़ाद कर देते हैं। और इस तरह से फिर इसके जो बहुत सारे परिणाम हुए, इंडिया को 15 अगस्त 1947 को जवाहर, मतलब जो थे बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उनसे बातचीत करके इंडिया को फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। तो गाइज ये था चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या है कि देखिए, नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, कब बंगाल का पार्टीशन हुआ, कब बंगाल में जो था उसको फिर से रीयूनाइट कर दिया, जलियांवाला बाग कब हुआ, ठीक है, कब कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, नॉन कॉरपोरेशन और डिसओबीडिएंट मूवमेंट, क्विट मूवमेंट, और फिर किस तरह से इंडिया को 1947 में आजादी मिली। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द चैप्टर गाइस। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।